साइंस वो अपने मेरे को कमजोर और बस लिखिए कि मैं अपना साइंस का एग्ज़ाम अच्छे से करूँ। और यहाँ पे मेरा भाई भी आ चुका है। कैसे हो दरवेश? अच्छा। और हम दोनों ने टीके का भी लगवा लिया है, तिलक दिखाओ। भगवान जी से आशीर्वाद भी ले लिया। अब हम जा रहे हैं स्कूल, तो मैं आपको स्कूल से आके। गाइस मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और गाइस मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। और गाइस अब मैं कर रही हूँ मेरी तैयारी, क्योंकि कल है मेरा लास्ट एग्जाम और मुझे बहुत खुशी हो रही है ना मम्मी, कल तो मेरा लास्ट एग्जाम है। और क्या, कल तो मजा आएगा। और गाइस आज मैंने पहना है येलो, क्योंकि आज है थर्सडे। मैं कर रही हूँ तैयारी। किस चीज का एग्जाम है मोक्षा कल? SST लास्ट। फिर हाँ, मस्ती। हाँ। गाइस तो मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है और अब देख सकते हो कि मैं घर मिट्टी पर भाग कैसे आ गई। ओ तो गाइस शॉप है नीचे, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना हमारे पास यहाँ पे कोई शॉप खुली है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है ना। वो आंटी में बुला रही थी, तो आज देखते हैं ना मामा, आज देखते हैं कि वहाँ पे क्या। वो आंटी में बुला के भी गई थी कि हमारी शॉप पे जरूर आना। हाँ, तो आज चलते हैं। और ये बच्चों के सामान भी, टॉयज भी है। ये गाइस अब हम आ चुके हैं सौंदर्या की शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक शॉप है जो हमें मिल चुकी है इतना ढूंढने के बाद। ओ माय गॉड। और गाइस यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज भी, तो देखते हैं अंदर जाके क्या क्या होते हैं। तो आप भी आ सकते हो शॉप पर, तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी वैरायटीज हैं। और देखो यहाँ आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और ले सकते हैं। आप भी यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं कुछ भी, जो भी आपको लेना हो। एनी बहुत ही अच्छा वैरायटीज थी इस पे, पर्स, कॉस्मेटिक बॉटल, ज्वेलरी। हाँ, और वो भी थे, क्रॉक्स वगैरह भी थे, तो बहुत सारे आइटम्स थे इसमें। देखिए कल्चर पर्स, तो बहुत सारे आइटम्स थे यहाँ पे। और रेंज भी बहुत नॉर्मल है। हाँ, बहुत ही कम है, शॉर्ट है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और देखो यहाँ पे है क्रॉक्स, बहुत ही अच्छे लग रहे। और देखो मैंने लिए हैं अपने लिए क्रॉक्स हील वाले। और गाइस अंकल ने ये हमें दिए थे गिफ्ट, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा हील वाले क्रॉक्स। पर क्या करे, वो वापस ही देने पड़े ना, तो हमने ले लिया है सामान, तो हम जा रहे हैं। हमने ले लिया ही बल्ले बल्ले। और हमने ये सौंदर्य की शॉप से लिया है सौंदर्य। गाइस तो वहाँ से आ चुके हैं और देखो यहाँ पे अंकल ने मेरे को दिया था ये गिफ्ट क्रॉक्स का। देखो इस पे बना डोनट, कोक और ये क्या है, चॉकलेट और चॉकलेटी केक वगैरह। हाँ केक है। देखो इसमें कितना अच्छा लग रहा है, हॉट्स में है, एक डॉल भी बनी हुई है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये दिया अंकल ने हमें गिफ्ट। और जैसे वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक था, मेरे तो मन कर रहा था कि सब उठा कर ले जाओ। मेरे तो ऐसे मन कर रहा था, मेरे को एक क्रॉस बहुत बहुत अच्छी लगी। और पता है ये ना हील टाइप में है, तो ये तो मेरे को वैसे पसंद है, पर हील नहीं पहन सकती। तो अंकल ने मुझको दी है ये गुलाब का गिफ्ट दिया अंकल ने। ये लगाने वाले ऐसे ऐसे इसे ऐसे लगाते हैं और बंद कर देते हैं, लॉक और खोल नहीं सकते। इसकी चार चाबी दिखे कि चार चुनौती है मुए मुए। इसमें को बहुत अच्छा लगा। अब इवनिंग टाइम हो चुका है और गाइस जो मेरे वो क्रॉक्स है वो तो मेरे अब जाएंगी, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेरे ना पैर में दर्द होने लग गया, क्योंकि वो हील टाइप पे तो दर्द हो गया था। चुका है डिनर टाइम, तो मम्मी यहाँ पे बना रही हैं। पता मम्मा
आप यहाँ पे ये क्या बना रहे हो? मैं ये मिर्च को स्टफ कर रही हूँ, मतलब कि इसमें मसाला भर रही हूँ, मसाला मिर्च बना रही हूँ। ओ मसाला स्टफ मिर्च। ओ बहुत टेस्टी लग रही है। और ये क्या है सारा? ये मसाला है। अच्छा इसमें आपने ऑयल भी डाला है? हाँ ये इसके अंदर स्टफ होगा ऐसे। अच्छा और फिर इसको हम ऑयल में ही फ्राई करेंगे। अच्छा ऑयल में फ्राई करते हैं हम इसको। और आज डिनर में बन रहे हैं मूली के पराठे। हम तो बहुत ही लगते हैं ना मम्मा। इसलिए उन पर मस्जिदें बनाते थे क्योंकि वो मस्जिदों को सिर्फ इबादत का स्थान नहीं मानते थे, वो मस्जिदों को इस्लाम के वर्चस्व देते थे। और इसी वजह से ये मुस्लिम आक्रमणकारी जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ उन्होंने उन देशों के धार्मिक स्थलों को तोड़ कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया। इनमें स्पेन अकेला ऐसा देश था जिसने चर्चेस को तोड़ कर बनाया। तो हमारा डिनर हो चुका है और बस अब हम सोएंगे। और गाइस आज हमने खाई स्टफ मिर्च। तो गाइस तो मैं तो मिर्च खाती नहीं हूँ बट मैंने ट्राई करी तो मेरे को बहुत ही टेस्टी लगी। और साथ में बने थे मूली के पराठे तो और भी ज़्यादा, क्योंकि मूली के पराठे मेरे फेवरेट पराठे हैं, टेस्टी। और गाइस आप भी अपने घर में स्टफ मिर्च ट्राई करिएगा। ओके हमें तो बहुत ही अच्छी लगी, आई होप कि आपको भी अच्छी लगे। ओके गाइस मिलते हैं आपसे एक अच्छा व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सबको मेरी नमस्ते, जय श्री राम, बाय।